हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। आई एम सूर्यभान सिंह राजपूत। बच्चों, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। पुली के साथ कुछ मास एसोसिएटेड होते हैं और हमें उन मासेस का एक्सेलरेशन या फिर टेंशन फाइंड आउट करना होता है। तो प्यारे बच्चों, इसके कई मेथड होते हैं। एक कंस्ट्रेंट की इक्वेशन लिखिए, इंडिविजुअल पुली पे आप किसकी इक्वेशंस लिखिए, उनके एक्सेलरेशंस की इक्वेशन लिखिए और उसके बाद आप सॉल्व करिए। जनरली आप यही करते होंगे। ऑब्वियसली कई स्टूडेंट सिग्मा टी डॉट ए का भी इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखने के लिए, दैट सिग्मा टी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, वहां से एक्सेलरेशन ऑब्टेन कर देते हैं। तो बेटा, अगर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दे दूं जहां पे आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप विद इन 10 सेकंड्स किसी भी ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाल सकते हो और कितने भी खतरनाक पुली सिस्टम का, तो क्या मजा नहीं आ जाएगा? बिल्कुल सर, मजा आ जाएगा। चलिए आइए इसी ट्रिक के बारे में बात करते हैं। इस ट्रिक को ध्यान से समझिएगा, इस फॉर्मूले को याद रखने की कोशिश करिएगा, आप किसी भी प्रकार के पुली के प्रॉब्लम को बहुत ही अमेजिंग तरीके से सॉल्व खटाक से कर सकते हैं। आइए देखिए क्या है ट्रिक। कहता है कि भाई, मान लेते हैं अगर चार मास एसोसिएटेड है, चार क्या, पांच हो, छह हो, दस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और उनके साथ एसोसिएटेड टेंशंस मैंने क्या लिखा हुआ है, C1T, C2T, C3T एंड C4T। तो इस केस में अगर आपको टेंशन फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ टी, तो क्या होगी? देखिए, मैं टेंशन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वंस यू हैव फाइंड आउट दिस टेंशन वैल्यू, दैट मींस व्हाट, आप ऊपर वाली और नीचे वाली mg की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, तो आप एक्सेलरेशन किसी भी ब्लॉक का खट से निकाल लेंगे। तो याद रखेंगे हमेशा टेंशन टी जो होगा प्यारे बच्चों, दैट वुड बी गिवन बाय एवरीवन। टेंशन टी जो होगा वो सबका कोफिशियंट C1 प्लस C2 प्लस C3 राइट प्लस C4 एंड सो ऑन टाइम्स ऑफ G अपॉन, याद रखेंगे बेटा, C1 स्क्वायर अपॉन M1 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन M2 एंड सो ऑन। क्या आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं बच्चों? इस फॉर्मूले को याद रखने भर मात्र से आप किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। आइए इस पर बेस एक खटाक से प्रॉब्लम करते हैं। देखना ध्यान से बेटा, ये सवाल आपके सामने है, आपसे पूछा गया है कि आप तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन बताइए कि कितने होने वाले हैं। क्लियर है कि नहीं है? आप टाइमर 60 सेकंड का सेट कर लीजिए, मैं आपको आंसर उसके अंदर निकाल के दिखाऊंगा। जबकि जेन्युइनली अगर आप देखो, इसकी इक्वेशन लिखोगे, इसकी इक्वेशन, इन तीनों के बीच में एक्सेलरेशन का एक कंस्टेंट इक्वेशन लिखोगे और आपके पास चार इक्वेशन, चार वेरिएबल होंगे, तब जाके आप तीनों के एक्सेलरेशन निकाल पाओगे। बट सर ने जो ट्रिक बताई है उससे आप देखो मिनटों में नहीं सेकंड्स के अंदर आप निकाल सकते हो। देखना वीरे ध्यान से, छोटे देख, छोटे यहां टेंशन टी अज्यूम करूंगा तो यहां भी टी होगा कि नहीं, यहां टूटी हो जाएगा तो यहां भी टूटी हो जाएगा कि नहीं, यहां भी टेंशन टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सबके साथ एसोसिएटेड टेंशन कोफिशियंट क्या है, 1, 1, 1, 1, एंड यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला, दिस विल बिकम 1 + 1 + 1 C1 plus C2 plus C3 into G upon C1 square upon M1 that is 2 plus C2 square upon M2 that is 2 that is C3 square upon M3। मैटर क्या हो चुका है गाइस, क्लोज हो चुका है प्यारे बच्चों। दिस विल गिव यू 3G अपॉन टोटल एलसीएम क्या ले लेता हूं बेटा, मैं 4 ले लेता हूं, तो 2 × 2 = 4 कितना हो जाएगा, 4 + 1। क्लियर है कि नहीं है बेटा? बिल्कुल सही सर। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12G upon 5। द टोटल टेंशन विल बी व्हाट बेटा, 24 newtons। इफ द टेंशन इज 24 newtons, कैन नॉट यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी एक्सेलरेशन? बिल्कुल सही सर। चलो, कहां मानना चाहते हो, ये नीचे की तरफ मानना चाहते हो, मान लो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, 40। क्या लिखोगे बेटा मुझे बताओ, इसकी क्वेश्चन लिखोगे 40 − tension T = 4 × A1 T1 की वैल्यू कितनी है, 24। तो 40 − 24 = 4 × A1 16 = 4 × A1 A1 is 4 meter पर सेकंड स्क्वायर। खट से सॉल्व किया है। सिमिलरली इसकी भी निकाल सकते हैं, इसकी क्या मानोगे, ऊपर मानना चाहोगे, मान लो करेक्ट है कि नहीं, कितना मान लोगे ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन, A2 मान लोगे, तो क्या लिखोगे आप, T − 20 = 2 × A2। टी की वैल्यू कितनी है बेटा मुझे बताओ खटाक से, टी की वैल्यू है 24 newtons, तो 24 − 20 राइट। क्लियर है बेटा, देखो ध्यान से, गिव यू व्हाट बेटा, 24 − 20 = 2 × A2। दिस विल गिव यू व्हाट बच्चे, 16, दिस इज 4 = 2 A2।
ए टू की वैल्यू कितनी आ चुकी है चीतो 2 meter per second square. Similarly, you can get the value of A1. चमका क्या? तो है कि नहीं amazing method. आपको सिर्फ क्या याद रखना है बेटा? Tension याद रखना है. वो क्या होता है? C1 plus C2 plus C3 times of G upon C1 square upon M1 plus C2 square upon M1 plus M2 plus C3 square upon M3 and so on will be the value of tension and you can actually get any acceleration. चलें आगे की तरफ. अच्छा, इसका एक और एक्सटेंशन है. उस एक्सटेंशन को देख लोगे तो और कोई समस्या नहीं होगी पुली और मास के प्रॉब्लम में. एक्सटेंशन देख क्या है, उसका एक्सटेंशन क्या बोलता है, देखना ध्यान से. अब मान लो ये पुली इंक्लाइन पर रख दे. कहां रख दे पुली? इंक्लाइन पर रख दे. सर अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान से देखना बेटा, एक्सटेंशन इसी में छुपा है पिछले वाले में हर एक कोफिशियंट के साथ जी मल्टीप्लाई हो रहा था. वो इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा था क्योंकि यहां पे इन सब पे जी इफेक्टिव एक्चुअली जी ही लग रहा था. क्लियर है कि नहीं है बेटा? पर यहां पे ध्यान से देखना है ना, यहां पे अलोंग इंक्लाइन क्या लग रहा है बेटा, देखना ध्यान से. इस वाली ब्लॉक पे नीचे की तरफ इफेक्टिव खींचने वाला फोर्स सब में, पिछले केस में क्या था बेटा, देखो ध्यान से, सब में नीचे की तरफ इफेक्टिव खींचने वाला फोर्स एमजी ही था. एमजी मतलब जी का जी ही था, राइट? पर यहां पे नीचे खींचने वाला फोर्स कितना लगेगा बेटा, देखो ध्यान से, यहां लगेगा M1g sin theta. यहां पे क्या लगेगा बेटा? M2g sin phi, M3g sin phi. तो फॉर्मूला सेम वही याद रखना है. पर देखिए कैसे लिखोगे आप इसको. अब लिखोगे कि इनकी टेंशन की जो वैल्यू है चीतो, इनके टेंशन की जो वैल्यू है बेटा वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी सर C1 into G sin theta प्लस C2 into, मुझे बताओ क्या लिखोगे बेटा? C2 into G sin phi. अच्छा सर, और आखिरी में C3 into G sin phi. Am I clear to everyone बेटा? बिल्कुल सही. और नीचे क्या है? नीचे वही कहानी, C1 square upon M1 प्लस C2 square upon M2 प्लस C3 स्क्वायर अपॉन M3 एंड सो ऑन. दिस इज ऑल्सो सो ऑन. बस ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए. अब इससे देखो एक बढ़िया सा प्रॉब्लम करते हैं अपन. देखो ध्यान से, बहुत इजी सा अमेजिंग टाइप का प्रॉब्लम. देखो कैसे, इसे डिफिकल्ट क्या ही बनाएंगे पुली वाले. ऐसा कुछ है मान लो. क्लियर है बेटा. लेट दिस बी एंगल थीटा. सॉरी, देखना ध्यान से बच्चे. अरे भैया आ जाओ. इसमें सब कुछ हो गया, देख रहे हो आप लोग? 1, 2, 3 इसमें, देखना ध्यान से. तो इसमें इफेक्टिव जी तो लग ही रहा है जी इस पे. यहां क्या लग रहा होगा इफेक्टिव जी? ऐसा सब पे बना लो जी साइन थीटा. यहां पे इफेक्टिव जी क्या लग रहा होगा? छोटे जीरो लग रहा होगा. देखो जी का यहां पे कोई कंपोनेंट ही नहीं आ रहा है इसके मोशन के डायरेक्शन में, करेक्ट है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जरा सोचो. अगर यहां टेंशन, ये ऐसा कुछ है बेटा याद रखना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बनाते वक्त, करेक्ट है? जरा सोचो, अगर यहां टेंशन टी है तो ये पूरे में टी होगा, ये पूरे में भी टेंशन टी होगा. यहां टेंशन कितना हो जाएगा बेटा? 2t हो जाएगा. यहां किससे खींचेगा ये? 2t टेंशन से खींचने वाला है. क्लियर है या नहीं है बेटा? बिल्कुल सही है सर. कोई दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं है सर. तो क्या लिख दोगे टेंशन टी की वैल्यू बेटा? बहुत इत्मीनान से मासेस मान लेता हूं M1, ठीक है बेटा, M2, और ठीक है बेटा M3, राइट सर? तो क्या लिखोगे बेटा? कोफिशियंट ऑफ टेंशन कितना है इसका? 2 multiplied by 0. अगले वाले के साथ कितना है? 1 multiplied by g sin theta. अरे यस सर. और लास्ट वाले का कितना हो जाएगा बेटा? 1 multiplied by g upon 2 square upon m1 plus 1 square upon m2 plus 1 square upon m3. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग. डिड यू गाइज गेट इट और नॉट? तो आप देखिए किसी भी प्रकार के पुली को प्रॉब्लम की ट्रिक करने की आपके सामने है. आप खाली ये फॉर्मूला याद रखिए, बस याद रखिए जी कौन सा मल्टीप्लाई होगा उन कोफिशियंट्स के साथ न्यूमरेटर में बेटा, जो जी का कंपोनेंट उनके अलोंग होगा मोशन के, वो मल्टीप्लाई होगा. दैट्स व्हाट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर. तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज और कंटेंट के लिए बेटा मेरे साथ बने रहे. आपकी फिजिक्स ऐसे ही मैं आसान बनाते रहूंगा ताकि आपको मजा आता रहे. तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा क्या कि आपको
आपको ये ट्रिक कैसी लगी, और साथ ही साथ में ये भी बताइएगा कि सवाल का आंसर क्या होगा अगर मैं आपको एक सवाल दूं लाइक दिस वन। आराम से निकाल के बताइएगा मुझे। राइट एवरीवन, इसकी वैल्यू है 4 kg, इसकी वैल्यू है 6 kg। मुझे दोनों के एक्सेलरेशन आप सिर्फ इस ट्रिक से ही सॉल्व करके दिखाएंगे, राइट प्यारे बच्चों, और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखेंगे। चले मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग एवरीवन, और ऐसे ही मचाते रहें, और ऐसे ही और शॉर्ट वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चले थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग एवरीवन।